हाय, मैं हूँ अमृता। आज की कहानी में हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की एक दूसरी प्रजाति, जिसे इंसानों के बारे में पता भी नहीं था, उन्हें अर्थ की खोज होती है और अर्थ के रिसोर्सेस लेने के लिए वे लोग अर्थ पर हमला करते हैं और इंसान और उनकी काफी समय तक लड़ाई चलती है। लेकिन इस लड़ाई में इंसान हार जाते हैं और हमें बताया जाता है कि अर्थ पर अब इन्हीं प्रजाति जो रोबोट जैसे दिखते हैं इनका कब्जा है। अब इनके रूल के मुताबिक इंसानों को रहना पड़ रहा है, जहाँ पे इंसान अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, यानी कि उन्हें लॉकडाउन में ही रहना है। और अगर कोई घर से बाहर पड़ता है तो उन्हें 5 सेकंड का समय दिया जाता है कि वो वापस जाए, जिसके बाद उन्हें मार दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने सारे इंसानों के कानों के पीछे एक इम्प्लांट्स लगाया था, जिससे कि वो उनकी मॉनिटरिंग कर सके। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो घर से बाहर निकलकर रोबोट्स को गालियां सुना रहा था, क्योंकि उन्होंने उसकी बीवी को मार डाला था। तभी वहां पे एक रोबोट आता है और उसे 5 सेकंड की वार्निंग देता है और घर में वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए वो रोबोट अपने लेजर से उस इंसान को वहीं पे मार देता है। और ये सब कुछ उसका बेटा कॉनर भी देख रहा था। अब अपने पिता को बचाने के लिए वो भी बाहर आता है। उसकी पड़ोसी केटी और उसका बेटा शॉन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानता और वो रोबोट के सामने आता है। ये रोबोट उसे भी मारने वाले होते हैं कि तभी स्मैटी नाम का एक आदमी आकर उस रोबोट को रोक लेता है। स्मैटी ऐसा इसीलिए कर पाया था क्योंकि वो भी इन रोबोट्स के लिए ही काम करता था। के बाद सभी लोग केटी के घर पे आते हैं, जहाँ पे शॉन के दोस्त नेट और उसकी बहन एलेक्स भी थी। स्मैटी यहाँ आकर उनसे कहता है कि अब कॉनर के मॉम और डैड दोनों भी मर चुके हैं, इसीलिए वो उसे ऑर्फनेज में लेके जा सकता है। दरअसल यहाँ पे स्मैटी केट को पसंद किया करता था, इसीलिए वो ये सब सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए ही कर रहा था। लेकिन केटी उसको कहती है कि वो कॉनर को अपने साथ रखना चाहती है, उसकी जिम्मेदारी वो ले सकती है। तो वही शॉन के दोस्त नेट को स्मैटी पसंद नहीं था, क्योंकि वो रोबोट्स के लिए काम करता था, इसीलिए वो उसे अच्छे से बात नहीं करता, जिसे स्मैटी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय के बाद सभी लोग टीवी देख रहे थे, जिसमें एक इंसान जैसे दिखने वाला रोबोट, जिसका नाम मेडिटर था, वो बता रहा होता है कि हम अर्थ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि हम इंसानों पे रिसर्च करना चाहते हैं, और जैसे ही हमारी रिसर्च पूरी होगी हम सब लोग यानी रोबोट बिना नुकसान पहुंचाए वापस अपने प्लैनेट पे चले जाएंगे, ये मैसेज देता है। अब बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि शॉन के पिता मिलिट्री में पायलट थे, और 3 साल पहले जब इंसान और रोबोट्स की लड़ाई हुई थी उसके बाद उसके पिता लापता हो गए थे। इसीलिए शॉन हर रोज एक पेपर में उनका स्केच और उनकी जानकारी देकर ये चीजें टेनिस बॉल के अंदर डालकर वो बाहर फेंकता था, इसी उम्मीद में कि कभी कोई ये स्केच देखकर उसके पिता के बारे में उसे जानकारी देगा। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन हम सभी लोगों को प्ले स्टेशन रिपेयर करते हुए देखते हैं, जिस दौरान नेट को बिजली का शॉक लग जाता है, जिसके कारण उसका जो कान के पीछे इम्प्लांट्स था वो बंद हो जाता है। ये देखकर बाकी सभी लोग ऐसे ही करते हैं और अपना इम्प्लांट्स बंद कर देते हैं, जिसका मतलब अब रोबोट्स इन्हें ट्रैक नहीं कर सकते। इसलिए सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और रोबोट से बचकर घर के बाहर आते हैं और बाहर एक शॉप में चले जाते हैं। काफी समय तक ये लोग घर के बाहर नहीं निकले थे, इसीलिए सभी लोग काफी खुश होते हैं। और यही कॉनर भी अपने साथ कुछ रॉकेट्स रख लेता है। वही कॉनर शॉन को रास्ते में मिली एक वैसी ही बॉल दिखाता है जो वो रोज फेंका करता था, लेकिन ये बॉल शॉन ने फेंकी हुई नहीं थी। और हैरानी की बात ये थी कि इसमें इन्हें एक मैसेज मिलता है उसके पिता से रिलेटेड, और उसमें लिखा हुआ था कि डैनी एक बहुत ही अच्छा इंसान था, डैनी यानी शॉन के ही पिता, जिसके बारे में वो लिखकर बॉल में डालता था। आगे लिखा था कि डैनी को वॉर के समय इन एलियंस यानी रोबोट्स ने पकड़ लिया है, उसके बारे में अगर तुम्हें और जानना है तो तुम स्कूल जाकर उससे रिलेटेड रखी हुई फाइल्स को देखना। इतना पढ़ते ही सभी लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां पे वो कॉनर को बैटरी के साथ बाहर छोड़कर खुद अंदर जाते हैं और फाइल्स को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ फाइल्स ऐसी ही मिलती है जिसमें क्रॉस साइन लगा था, मतलब ये लोग अब जिंदा नहीं हैं। वही शॉन को उसके पिता की भी फाइल मिलती है जो अभी भी जिंदा थे, और उस फाइल में एक होटल का एड्रेस और नाम लिखा हुआ था।
अब ये देख ही रहे थे कि तभी इनके इम्प्लांट्स वापस से फ्लैश होते हैं, यानी वो चालू हो गए थे। इसीलिए सब लोग भागकर कनोर के पास जाने लगते हैं क्योंकि बैटरी उसी के पास थी। लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि स्मैटी अपने कुछ रोबोट्स के साथ यहाँ पे आ गया था और वो इन सबको पकड़कर एक जगह पे लेके जाता है। वही कनोर ये सब कुछ देखकर छुपा हुआ था और वो शौक लेके अपने इम्प्लांट्स को बंद करने की कोशिश करता है, जिससे उसका इम्प्लांट्स तो बंद हो जाता है लेकिन शौक की वजह से कनोर वही बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे स्मैटी इन सब से पूछता है कि आखिरकार उन्होंने अपने इम्प्लांट्स बंद कैसे किए, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बताते। इसीलिए स्मैटी वहाँ शॉन के अंकल को लेकर आता है और उनका नॉर्मल इम्प्लांट्स निकाल कर उसकी जगह पे ब्लैक इम्प्लांट्स लगाकर उन्हें उसी मशीन में डाल देता है। दरअसल वो मशीन इंसानों की पूरी मेमोरी स्कैन करके उसे कोमा में पहुंचाती थी, जिससे 2 से 3 दिन में उस इंसान की अपने आप ही मौत हो जाती थी। और ऐसा ही शॉन के अंकल के साथ भी होता है, लेकिन फिर भी ये लोग स्मैटी को कुछ भी नहीं बताते। इसीलिए वो शॉन को भी ब्लैक इम्प्लांट्स लगाकर मशीन में डालकर उसे ऑन कर देता है। गुस्से में शॉन स्मैटी से कहता है कि तुम इतने बुरे इंसान हो कि तुमने खुद अपने हाथों से अपने बीवी को मार दिया था। इतना सुनते ही स्मैटी गुस्से में आकर शॉन के पास जाता है, लेकिन मशीन ऑन होने की वजह से उसे शॉक लगता है, जिससे मशीन बंद हो जाती है और शॉन बच जाता है। वही दूसरी तरफ कनोर को भी होश आ चुका था, इसीलिए वो अपने हाथ लाए हुए रॉकेट्स को जलाकर सभी लोगों को बचाने के लिए जाता है और वहां से सभी लोग बचकर निकल जाते हैं। वही जाते वक्त नेट वहां की गैस पाइप ऑन कर देता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन ये लोग बच जाते हैं। अब सब लोग वापस अपने इम्प्लांट्स बंद करके होटल की तरफ निकलते हैं, जहाँ पे ये लोग मोनिक नाम के एक लेडी से मिलते हैं। वो लेडी ने देखकर हैरान थी कि ये लोग बाहर जा सकते हैं और इनके इम्प्लांट्स भी बंद हैं। तो वो लेडी इनके साथ डील करती है कि वो शॉन के पिता का पता उन्हें बताएगी, लेकिन उसके बदले में इम्प्लांट्स कैसे बंद करना है ये बताना है। और इस डील के मुताबिक ये लोग उन्हें इम्प्लांट्स बंद करने का तरीका बताते हैं, जिसके बाद मोनिक उन्हें एक इंसान से मिलवाती है जो इन्हें स्लॉटर स्टोन नाम के एक जगह जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहीं पे उन्हें सारी डिटेल्स मिलेगी। अब ये सभी लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी स्मैटी हर का एक अनाउंसमेंट करता है कि उसने शॉन की माँ यानी केट को पकड़ लिया है और उसे बचाने के लिए सब लोगों को कैसल में बुलाता है। इसे सुनने के बाद वो लोग मोनिक की मदद से बचते बचते कैसल की तरफ जाते हैं। वही दूसरी तरफ स्मैटी केट से कहता है कि अगर तुम मेरा साथ देती हो तो मैं जोन चीफ होने के बाद तुम्हें और शॉन को रोबोट से बचा लूंगा। और यहाँ पता चलता है कि रोबोट्स इंसानी के माइंड को स्कैन कर रहे हैं, जिससे उनकी सारी इंटेलिजेंस और उनके सारे आइडियाज को वे लोग स्टडी कर रहे हैं। और रोबोट्स ने प्रॉमिस किया था कि जो भी लोग उनके लिए काम करते हैं वो उन लोगों पर स्कैन नहीं करेंगे, लेकिन केट इसके ऊपर कुछ कहती नहीं है। अब वही रास्ते में कुछ रोबोट शॉन पर हमला करते हैं और तभी शॉन को पता चलता है कि वो अपने ब्लैक इम्प्लांट्स के कारण रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता है और उसी रोबोट को लेकर वो अपनी मॉम को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक उसकी मॉम वहां से भाग चुकी थी। इसीलिए ये लोग भी उसका पीछा करते हैं और थोड़े समय के बाद इन्हें केट मिल जाती है, जिसके बाद सभी लोग स्लॉटर स्टोन जाते हैं, जहाँ पे उन्हें स्टोन पर कुछ क्लू मिलते हैं और तभी इन्हें वहाँ एक बच्चा दिखाई देता है जो इन्हें देखकर भागने लगता है और ये भी उसके पीछे पीछे भागते हैं, जहाँ पे उन्हें शॉन के पिता यानी डैनी का फाइटर प्लेन और वहाँ पे रह रहे कुछ लोग मिलते हैं, जिनमें से एक डैनी भी था। उसे देखकर शॉन बहुत ही खुश हो जाता है और अपने पिता से गले मिलता है। थोड़े समय के बाद डैनी ने बताता है कि वॉर के बाद हम सभी लोग रोबोट से बचने के लिए यहाँ छुप कर रहने लगे थे। वो आगे कहता है कि वो कॉन्टेक्ट करने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन केट और शॉन को उसके कारण खतरा हो सकता था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद डैनी को इम्प्लांट्स के बारे में पता चलता है और वो वहाँ पे रह रहे एक आदमी की मदद से सभी के इम्प्लांट्स निकलवा देता है। और वही दूसरी तरफ हम मेडिएटर को देखते हैं, जो स्मैटी से कहता है कि किसी ने हमारे रोबोट्स को कंट्रोल किया है और उन्हें पता चलता है कि ये शॉन ही है। और शॉन पहला इंसान था जो उनके रोबोट को कंट्रोल कर सकता था, इसीलिए उन्हें शॉन जिंदा चाहिए था। इसीलिए स्मैटी मेडिएटर के साथ कुछ रोबोट्स लेकर उन पे हमला करने के लिए जाता है। वो उन सबको एक स्पेसशिप दिखाकर कहता है, अगर तुमने शॉन को हमारे हवाले नहीं किया
तो ये स्पेसशिप इस पूरे जगह को एक गर्म लावा में बदल देगा जिसे तुम सभी लोग मारे जाओगे। ये सुनते ही कुछ लोग शॉन को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक शॉन वहाँ से भाग गया था और वो दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है, जिसे देख कर वो अपना इम्प्लांट वापस लगा लेता है और वही उड़ रहे ड्रोन रोबोट की मदद से उनकी स्पेसशिप में पहुंच जाता है, जिसे कंट्रोल करके वो उस दूसरे स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है जो बाकी लोगों पर हमला करने वाली होती है। और ये देखकर मेडिएटर शॉन के पास जाता है और कहता है, अगर तुम हमारे साथ काम करने के लिए मान जाओगे तो हम तुम्हारे परिवार को कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन शॉन उसकी बात नहीं मानता और उन सभी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि सारे रोबोट मेडिएटर से ही कनेक्टेड है, यानी वो मेडिएटर ही मेन रोबोट्स का लीडर है। लेकिन तभी वो स्पेसशिप अपना कंट्रोल खोने लगती है, जिससे मेडिएटर नीचे गिर जाता है और उसके गिरते ही सभी रोबोट शॉन पर हमला करने लगते हैं। तभी डैनी और नेट फाइटर प्लेन लेकर उसे बचाने के लिए आते हैं। शॉन भी उस स्पेसशिप को सीधा जाकर दूसरे स्पेसशिप से टकरा देता है और खुद एक रोबोट की मदद से नीचे आ जाता है, जिसे देखकर सभी रोबोट्स वहां से जाने लगते हैं और स्मैटी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोबोट्स उसे मार देते हैं। वही नीचे आते ही शॉन मेडिएटर के पास जाता है, जहां वो उसे कंट्रोल कर उसके साथ बाकी सारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी के साथ सारे रोबोट्स खत्म होते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि कैसे सारे इंसान बाहर आकर फाइनली अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय बाय।